सिद्धू मूसेवाला के कतल उत्ते बनन जा रही फिल्म का लिखारी आया सामने। इस तो पहला सिद्धू मूसेवाला के कतल उत्ते आधारित यह फिल्म नू लेके वड्डा विवाद होया। सिद्धू मूसेवाले के माता चरण कौर वालों सीधे तौर पर कहा गया कि ना तो किताब लिखण वाले ने, जिस किताब उत्ते फिल्म बन रही है उस कहानी बारे साडे नाल कोई चर्चा हुई ना ही सानू इस फिल्म बारे कुछ दस्या गया। सिद्धू मूसेवाला के कतल उत्ते बनन जा रही फिल्म का लिखारी आया सामने। इस तो पहला सिद्धू मूसेवाला के कतल उत्ते आधारित यह फिल्म नू लेके वड्डा विवाद होया। सिद्धू मूसेवाले के माता चरण कौर वालों सीधे तौर पर कहा गया कि ना तो किताब लिखण वाले ने, जिस किताब उत्ते फिल्म बन रही है उस कहानी बारे साडे नाल कोई चर्चा हुई ना ही सानू इस फिल्म बारे कुछ दस्या गया। जिस तो बाद विवाद हुआ, कुछ कु लोगों ने इस लिखारी नू जो कि पेशे वजों एक पत्रकार भी ने, द ट्रिब्यून दे पत्रकार ने, उस तो बाद हुण ऑदर भी ने, इस तो पहला भी किताबां लिख चुके ने, उन्हां दा ये अपना पक्ष रखिया। सोशल मीडिया उत्ते पोस्ट पा के जुपिंदरजीत सिंह होना ने अपना पक्ष रखिया। उन्होंने चार बड़े मसले जड़े ने वो खोले ने, चार नुक्ते रखे ने मूहरे। उन्हों का कहना है कि मैं पहली गल तो अपना पक्ष ये रख रहा कि मैं कोई बायोग्राफी नहीं लिखी, यानी कि सिद्धू मूसेवाला की जीवन गाथा या उसकी कहानी मैं नहीं लिखी, उसकी बायोग्राफी नहीं है, बल्कि एक पत्रकार के नज़रिए तो एक क्राइम रिपोर्ट है कि किवें किवें इवेंट्स होए, एक तो बाद एक घटना हुई तो किवें घटनाक्रम बनया, किवें उस घटनाक्रम ने मूसेवाला नू स्टार बनाया तो किवें उसके कतल तक गल पहुँचती है, एक कहानी है। दूजा पक्ष वो रखते ने कि जदों कोई अजिही बायोग्राफी होवे या क्राइम रिपोर्ट होवे तां उस दे अधिकार किसी एक शख्स को नहीं रह जाते, एक्सकलूसिव राइट्स किसी को नहीं हो जाते, यानी कि किसी को जेकर कोई अधिकार हो भी तो एक्सकलूसिव नहीं होंगे, सिर्फ तो सिर्फ उस को नहीं होंगे। ये दूजा पक्ष रखा जपिंदर सिंह होना ने। तो उधर ही उन्होंने तीजा पॉइंट जिहड़ा आख्या, उन्होंने कहना है कि कई लोग यह विवाद कर रहे हैं कि इस किताब के विच जां फिर इस वैब सीरीज जां जो भी फिल्म में आ रही है उसकी कहानी में लैके सवाल चुके ने कि किताब के विच या कहानी के विच कई गल्लां कई तत्थ सही नहीं या फिर उन्होंने गलत तरीके पेश किया गया। इत्थे जुपिंदरजीत सिंह हुणी कहिंदे ने कि 5 महीने तो बाद किताब छपण तो बाद यह विवाद होया, किताब उदों तक दुनिया तक पहुँच चुकी सी, इत्थों तक कि सिद्धू मूसेवाले के माता पिता कोल भी यह किताब गई सी, तां पहलां क्यों ना विवाद होया। उन्हां दा यह पक्ष है कि विवाद हुण इसलिए हो रहा है, विवाद वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने शायद किताब पढ़ी नहीं, वो एक प्रोपेगेंडा किसी होर के साजे हुए व्याख्या के तहत गल्लां समझ रहे ने, सोच रहे ने, जबकि ये सच नहीं है। तो चौथा पक्ष भी वो कहिंदे ने कि एक टिप्पणी वार वार विरोधी वालों की गई है कि लॉरेंस बिश्नोई नू इस किताब दे विच फिल्म दे विच हीरो बनाया गया। उन्हां दा पक्ष है कि लॉरेंस बिश्नोई नू मैं सिद्धू मूसेवाले के माता पिता लई रावण आख्या, मौजूदा दौर का रावण आख्या है, मैं उन्हां दे बैकग्राउंड बारे गल्लां कीतियां ने, किवें वो स्टेज के पिछे या परदे के पिछे कह लिए किवें काम करते हैं, किवें जेलों के विचों नैटवर्क चलते हैं, मैं कई सारे राज खोले ने, मैं उन्हां दीआं कई घिनौनियां हरकतां दसियां ने इस किताब के, जिन्हां ने किताब नहीं पढ़ी शायद वो प्रोपेगेंडे का शिकार हो रहे हैं, मैं किसी नूं इस दे विच स्टार नहीं बनाया। हाँ, जदों कोई कहानी साजी जाती है तो करैक्टर डेवलपमेंट हुंदा, यानी कि किरदार अपने आप दे विच वधदे फुलदे ने, तां ही एक किरदार दूजे किरदार नूं शिंगारदा है, उसकी सहायता करदा है, तो वह कहानी लोगों तक पहुँच पाउंदी है। तो यह सारे पक्ष रखे ने जुपिंदरजीत सिंह होना ने, जिन्होंने एक किताब लिखी हू किल्ड सिद्धू मूसेवाला, तो उस उत्ते हुण फिल्म बनन जा रही है। तुसीं इह जो पक्ष उन्हां वल्लों रखे गए ने कि इन्हां नाल सहमत हो जां फिर जो विवाद चल रहा है तुसीं समझदे हो कि जो विवाद चल रहा जो कहा जा रहा कि सिर्फ पैसे कमाउण वास्ते वह भी एक लैजेंड की लाश तो या उसकी मौत तो भी लोग रोटियां सेक रहे हैं, यह गल आखी जा रही है कि तुसीं इन्हां दोहां पक्षां दे विचों किस चीज़ के नाल सहमत हो, कमेंट सैक्शन के अपने विचार जरूर दसो। इत्थे जुपिंदरजीत सिंह हुणी पोस्ट खत्म करदिआं हुए यह भी लिखते हैं कि मैं दोबारा होर पक्ष भी रखांगा, असीं उन्हां नाल संपर्क भी किया, उन्हां दा यही कहना है कि होर पक्ष भी आउणगे, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया।
ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੋ। ਬਰਾਊਜ਼ ਡੇਲੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।